वीडियो के शुरुआत में मैं पहले उस बच्चे का वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ जो उसकी माँ मर चुकी है, उसको नहीं पता, उस उतने छोटे बच्चे को नहीं पता है। उसकी माँ भूख से मरी, ऐसा कहा जा रहा है, गर्मी से मरी, भूख से मरी, प्यास से मरी, कई घंटों से नहीं खाया था। जाहिर सी बात है, उसने अपने बच्चे को खिलाया होगा और खुद सेक्रीफाइस किया होगा, वो मर गए। और बच्चा खेल रहा है, कोशिश कर रहा है कि जग जाए। बहुत छोटी वीडियो, बहुत छोटी वीडियो, लेकिन आप देख लीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हम लोग कैसे समाज में रह रहे हैं कि ऐसा होने दे रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी में एक इंसान भूख से, प्यास से तड़प कैसे मर जाए? तो अगल बगल वालों को तो शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैंने कई ऐसी वीडियो देखी है कि लोगों को मार खाते वक्त की वीडियो बनाई है, लेकिन उन्हें बचाने तक नहीं गए। क्या वो जब भूखी होगी तो उसके आसपास कोई ऐसा नहीं होगा जो उसको एक निवाला खिला दे, एक रोटी खिला दे, एक बिस्किट का पैकेट दे दे? मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होगा? मतलब वो ऐसा तो है नहीं किसी बंजर रेगिस्तान में जाके मरी वो, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बैठी और गिर के मर गई, या कैसे क्या हो गया मुझे नहीं पता पूरा किस्सा। लेकिन फिर सही बात सोचने की बात है, क्या हम लोग इंसानों के साथ रह रहे हैं? अभी हम लोग कोरोना से उभर ही नहीं पाए थे कि अभी एक ये जो लोकस्ट है, जो हम टिड्डा कहा जा रहा है या फिर हम लोग तोता कहते हैं, ये लोग ग्रास हॉपर्स की प्रजातियाँ होती हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत में 27 से 30 साल के बाद ये पहली बार देखा जा रहा है, और इन लोगों ने अभी तक लाखों की खेती बर्बाद ऑलरेडी कर चुकी है। लोगों ने कई जगह अलग अलग तरीके निकाले हैं, फार्मर्स ने, अब क्या कर सकते हैं बेचारे। ऑप्शन यही है कि अपने तरीके जो कर सकते हैं करें। उन्होंने शोर करके भगाने की कोशिश की, किसी ने यूपी में डीजे वीजे लगा दिया और ताली थाली कुछ बजा रहे हैं ताकि भाग जाए। एक तरीके का छोटे लेवल पे ये भी हाहाकार ही है, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। मुझे नहीं पता कि सरकारें क्या कर रही हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, और कैसे इनको भगाया जाएगा, और कैसे इनको इंडिया से भगाया जाएगा। कम से कम भगाए ना भगाए इतना कंट्रोल में ले आए कि जो खेती बर्बाद हो रही है वो रुक जाए, और अगर हो भी रही है तो कॉम्पेंसेशन जो सरकारें दे सकती हैं किसानों को, उसका कुछ इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि कई मैंने वीडियोस देखी कि किसान बताने कि हमारे 3-3 हज़ार का खर्चा करके बीज लाए थे, बोए थे, ये वो। तो मतलब हजारों हजारों के खर्चे बहुत सारा, आप किसान के लिए 3 हज़ार बहुत बड़ी बात है, और ऐसे करते करते कितने किसानों के कितने बड़े बड़े खेत बर्बाद हुए। तो नंबर्स सुनने में अगर छोटे लग सकते हैं आम जनता को, लेकिन ये देखा जाए तो खेती बड़े लेवल पर बड़ी बर्बाद हुई है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इसके लिए जनता को उसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं गर्मी की। इस रीजन में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्म देशों में से एक बन चुका है, और टॉप पे एक तरीके से कह सकते हैं, और टॉप 10 सिटीज़ में से मैक्सिमम भारत के शहर हैं और उसके बाद पाकिस्तान के। तो ये रीजन सबसे ज़्यादा गर्म बताया जा रहा है, और ऐसे आप लोग फील भी कर रहे होंगे कि इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है अचानक से। क्योंकि बीच में हम लोग सोचते थे कि जब कोरोना आया तो गर्मी के माहौल में भी बारिश हो रही थी, तो हम लोग सोचते थे कब गर्मी आएगी अच्छे से कि कोरोना जाएगा। अब खैर अब वो तो माहौल ही नहीं रहा कि गर्मी और कोरोना कुछ लेना देना हो। और तीसरी चीज़ में सरकार से और नॉर्मल उस जनता से कि लोग कहते हैं ना कि भारत की 90% वेल्थ 10% लोगों के पास है। एक वो थ्योरी लगाई जाती है ना कि मैक्सिमम वेल्थ, मैक्सिमम पैसा मिनिमम लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास है, तो वो कुछ लोग कब काम आएंगे? बहुत बड़े बड़े अरबपतियों ने, करोड़पतियों ने पैसा दिया पीएम केयर्स फंड में, ठीक है, लेकिन जो काम सोनू सूद कर रहे हैं वो काम बड़े बड़े लोगों को ऑलरेडी करना चाहिए था। खैर एक्सपेक्टेशन सीधा सरकार से होती है कि लोग करें, ये लोग इन लोगों से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब अगर कोई एक खड़ा हो रहा है, कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं ये करूँगा, तो उनसे ज़्यादा पैसे वाले लोग घर में बैठ के ये सोच रहे हैं कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। अगर आप केपेबल हैं तो आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर लोगों का ये भी तर्क है कि अगर सोनू सूद कर सकता है तो बड़े बड़े स्टार्स भी कर सकते थे, लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर सिर्फ यही लोग कर सकते थे तो सोचो सरकार किस हद तक कर सकती थी। अब यहाँ मेरी शिकायत भी है और लोगों के लिए मेरे पास एक तर्क भी है कि सरकार का ये कहना है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरफ से हमें नोटिफाई नहीं करेंगी, हमें हमसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगी कि इतने ट्रेनों की या इतने साधनों की ज़रूरत इस जगह पर है, इतने मजदूर हैं यहाँ यहाँ के, तब तक हम लोग अपनी सेवाएँ नहीं दे पाएंगे। जैसे अभी महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है कि पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम 125 ट्रेनें लगाने को तैयार हैं, आप बताइए, आप हमें बता नहीं रहे, तो वहाँ पे विवाद चल रहा है। तो ये मामला सिर्फ वहीं फंस रहा है कि नॉन बीजेपी स्टेट्स और सेंटर के बीच में, बीजेपी स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोई मामला नहीं फंस रहा, उनकी आपस की ट्यूनिंग है। दिक्कत मुझे नज़र आ रही है कि क्या स्टेट, क्योंकि मामला यहाँ भी है कि 85% सेंटर देगा और 15% स्टेट देने के लिए अग्री करेगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल भी होगी कि उन्हें वहाँ से वहाँ उठा के ले जाया जाएगा। पर स्टेट गवर्नमेंट कोई कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार ही नहीं। अभी कांग्रेस शासित राज्य ने जो भेजा था तो 36 लाख या 55 लाख का कुछ बिल बना के भेज दिया था, जिसका भी बीच में बवाल उठा था
कि आपने सेवा प्रदान तो की लेकिन आपने उसका बिल बना के भेज दिया यूपी गवर्नमेंट को। तो सबसे बड़ी जाहिलियत तो यही है। इसलिए सरकारें भी चाहती हैं कि अगर हमारी सत्ता अगर सेंटर में है तो राज्यों में भी हो, जहाँ पे हम अच्छे से सुविधाएं प्रोवाइड करा सकें। और मेरा भी एक सुझाव सेंटर को है और स्टेट गवर्नमेंट्स को है, बीजेपी नॉन बीजेपी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा अगर ये सुझाव लोगों तक पहुँचा सकें आप लोग वीडियो को शेयर करके, किसी भी तरीके से शेयर करके, तो उनको मैं बहुत स्ट्रिक्टली सीरियसली जिस टोन से मैं कहूँ, जिस टोन से वो समझें कि ये कैसी पॉलिसी है आपकी एज अ सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कि जब तक राज्य कुछ आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा आप काम नहीं करेंगे। आपकी एजेंसीज होती हैं, आपके तमाम सोर्सेज होते हैं पता करने कि कितने मजदूर कहाँ से कहाँ हैं। ये दो दो कौड़ी के मीडिया वाले पत्रकार पहुँच जाते हैं जिनको पैसा भेज भेज के फ़ोटो खिंचवाई जाती है, वायरल करवाई जाती है और जलील किया जाता है सरकारों को, तो ये पहुँच जाते हैं लेकिन आपके एजेंसी वाले नहीं पहुँच जाते, आपके बस वाले नहीं पहुँच पाते, आपके सहायक कर्मी नहीं पहुँच पाते। ये बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़, सेंटर तो वेट कर रही है, चलो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्यों वेट कर रही है कि सेंटर से कुछ हेल्प होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, वो क्यों नहीं? क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने साधन नहीं है कि हम कुछ बसें लगा दें, कुछ ट्रेनें चला दें? चलो ट्रेन नहीं चला पाते आप, बसें तो लगा सकते हैं कि हर शहर में इतनी बसें होती हैं, हर स्टेट में इतनी बसें होती हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट खुद ठान ले तो अपने लोगों को वहाँ भेजे और उसी बस से वहाँ से अपने लोगों को वहाँ पर उठा के लाए। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ जितने लोग दूसरे स्टेट के हैं उनको पहले भेज दे और उसी बस से राउंड से जब वापस आ रही हो तो यू टर्न ले रही हो कि हमने छोड़ दिया वापस आ रहे हैं अपने स्टेट में, तो वो अपने लोगों को लेके आ जाए जो दूसरे स्टेट के हैं। लेकिन सरकारें यहाँ पे कंपटीशन में लगी हुई हैं, स्पेसिफिकली ये हो रहा है बीजेपी और नॉन बीजेपी स्टेट का जो टक्कर चल रही ना, कि हम कैसे ये होने दें, अगर हम होने देंगे तो तारीफ होगी कि कोरोना काल में मोदी ने ये सब करके दिखाया और मोदी का वोट बैंक बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये लोग ऐसा ना करके, क्योंकि कई वीडियोज मैंने आपको अपने पिछले एक जो 15 मिनट की वीडियो थी मैं आपको लिंक दे दूंगा उसको देखिएगा, उसमें मजदूरों ने साफ कहा है कि हम मुंबई में थे तो हमें ये झेलना पड़ा, हम दिल्ली में थे तो हमें ये झेलना पड़ा, हम जो एक और स्टेट है नाम नहीं याद आ रहा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा पता चल जाएगा, उसमें उन्होंने कहा कि हमें पानी खाना तक नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन जब हम एमपी में घुसे, जो भी हाल ही में अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है, एमपी में घुसे तो हमें सब मिला। एक जगह और का था कि बता रहा था यूपी में थे या कहाँ थे तो हम कहते कि मैं सुबह से 4 बार खाना खा चुका हूँ, मतलब कहीं एक जगह नहीं मिल रहा है, एक बार नहीं मिल रहा, रास्ते में पानी तक नहीं पूछा जा रहा है, और कहीं दूसरे स्टेट में जहाँ राज्य में सरकारें बदली आपको सुबह से 4 बार खाने को मिल रहा है। ये फ़र्क है सरकार का, ये जनता भी देख रही है। तो आप सोच रहे हैं कि मजदूरों को भेजेंगे नहीं, सेंटर का नाम हो जाएगा, तो इससे गलती आपकी है, छवि आपकी ख़राब हो रही है। तो आप अपने तौर पर जितना अच्छा काम कर सकते हैं करिए। अगर यही सोनू सूद सोचते जिनका आज कितनी तारीफ हो रही, कितना नाम हो रहा, तो आप पर्सनल लेवल पे करिए, आपकी भी तारीफ होगी, आपका भी नाम होगा। आप लोग पहले पॉलिटिक्स को अहमियत देते हैं, सेवा तो होती रहेगी। खैर अभी के लिए इतना ही। सरकारों से जो मेरा सवाल था और जनता से जो मेरा सवाल है कि क्या आप लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि उस लेवल तक के इंसान तक पहुँचे कम से कम जो शर्म के मारे ही सही, अगर वो केपेबल है तो हेल्प करे, और अगर सरकार में है तो कुछ इनिशिएटिव ले कि ये काम हो, मजदूरों की रक्षा हो, सुरक्षा हो, खान पान का ध्यान दिया जाए, जो कीड़े वाला मैटर है उसको भी सॉल्व हो, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक किसने मेरे उस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डिस्क्लेमर के साथ मैं हर बार बताऊँगा कि उस नए चैनल में मैं अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखूँगा, तो गाली गलौज भी हो सकती है, मैं रूडली भी बोल सकता हूँ, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल पे अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।